चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस पी कच्छप आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण। मैंने आप लोगों को पिछले दो चैप्टर पढ़ाया, एक था हमारी भाषा और एक था वर्णमाला। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5। आप देखिएगा अपने पुस्तक में, खोल लीजिए व्याकरण की किताब में, चैप्टर 5 जो है पेज नंबर 17 में। उसमें देखिए दिया हुआ है नाम शब्द, उसका हेडिंग देखिए नाम शब्द मीन्स नेमिंग वर्ड्स। आप चित्र में देखिए, आप अपने पुस्तक को खोलेंगे तो इसमें दिखलाई देगा किसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है, यहाँ बच्चे का खिलौना है, यहाँ पर लिखा हवाई जहाज, पलंग, किताबें, फल, जूते, एक बच्चा बैठा है जिसका नाम है नितिन, कुत्ता, गलीचा, गेंद, कपड़े। ये सब जो यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से देखें। इस कमरे में, ये एक कमरा है और इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों के अलग अलग नाम हैं। कोई भी चीज़ों का नाम होता है, जैसे फल में बहुत सारे फल आते हैं, उन सभी फलों का नाम होता है। जैसे हम इंसान, सभी इंसानों का नाम होता है, जैसे आपका भी नाम होगा नितिन, राजू, या लड़की है तो नेहा, रेखा, उसी तरह से यहाँ पर सभी चीज़ों का अलग अलग नाम है। ये सभी नाम शब्द है, नाम एक शब्द से बनता है, ठीक है, अलग अलग वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और उसी से एक नाम बनता है। तो इसको हम समझने के तौर पर क्या बोलेंगे, ये सभी चीज़ें संज्ञा में आती है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा हम कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, रांची और हो गया खुशी, तो हम इसे संज्ञा कहते हैं। राम, जैसे इसमें दिया हुआ है आपका परिभाषा में किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब ये नाम से जाना जाता है व्यक्ति, तो प्रत्येक इंसान का नाम होता है, तो इसी तरह यहाँ पर है नाम। व्यक्ति के बाद है वस्तु, वस्तु में आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कॉपी, कलम, मेज, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कुर्सी। स्थान मीन्स जगह का नाम, जैसे हुआ रांची, शहर, देश, गांव, ये हो गया शहर का नाम या स्थान का नाम। उसके बाद है भाव, भाव किसको हम कहते हैं, जैसे कि एक खुशी, ये हमारा एक भाव है, हम जब ज़्यादा खुश होते हैं तो बहुत हंसते हैं। उसी तरह से श्रद्धा, जब हम श्रद्धा के साथ अपने भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं तो वो हमारा श्रद्धा होता है, भक्ति के साथ हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो आपने देखा कि हम इसे संज्ञा कहते हैं। आप पेज पलट लीजिए और पेज नंबर 18 में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अब आपकी बारी। एक नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, शरीर के अंगों के नाम लिखें। तो यहाँ पर एक बच्चे का चित्र है और उसी तरह से शरीर के अंगों का नाम आपको लिखना है। देखिए उसके शरीर के हिसाब से उस जगह से लाइन खींची हुई है, आप उसके आगे में उसके शरीर के हिसाब से, जैसे आँख के सामने है तो आँख लिखेंगे, होंठ के सामने होंठ लिखा हुआ है, ये है हाथ, ये कलाई, उसी तरह से इसको पूरा भरेंगे अपने पुस्तक में ही। और उसके बाद नीचे देखेंगे दूसरे नंबर में दो दो नाम लिखें, यहाँ सब्जी है, फल है और पक्षी है, तो सब्जी के दो नाम लिखेंगे आप, उसके बाद फल के दो नाम लिखेंगे और पक्षी के दो नाम लिखेंगे। उसी तरह से नीचे तीसरा में देखिए चित्र देखकर नाम लिखो, यहाँ पर देखिए सीटी है, विसिल जिसको आप बजाते हैं वो सीटी है, यहाँ पर देखिए रोज, गुलाब फूल है, उसको आप रोज नहीं लिखेंगे इंग्लिश में, उसको आप यहाँ गुलाब लिखेंगे। यहाँ पर देखिए किताब है, इसको आप इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में किताब लिखेंगे। यहाँ पर फोन है, आप इसको टेलीफोन नहीं लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, दूरभाष, ठीक है, समझ में आया। अब आप पेज पलटी कीजिए, यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, ये जो है हेडिंग ये चैप्टर 5 से ही रिलेटेड है, इसी के ये में आता है, स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, आप सभी जानते हैं स्त्री और पुरुष के बारे में। यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है हाथी, हथनी,
बंदर बंदरिया, दादा दादी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, सभी नाम पुरुष स्त्री लड़का लड़की ही होते हैं। ठीक है, आपके घर में भी मम्मी पापा है तो मम्मी लड़की हुई और पापा लड़का, उसी तरह से इसे हम स्त्री और पुरुष कहते हैं। जैसे हैं इसमें से क्वेश्चन निकल के आता है लिंग किसे कहते हैं, तो उसे हम परिभाषा के तौर में समझेंगे। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष या जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे हुआ राजा रानी, माता पिता, इससे हम समझते हैं कि एक स्त्री है तो एक पुरुष है, यानी एक लड़का है तो एक लड़की है। लिंग के कितने भेद होते हैं सभी आप जानते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग मने लड़का, स्त्रीलिंग मने लड़की। आपके इस पुस्तक में दिया हुआ है, आइए हम देखते हैं पेज नंबर 19 में ही देखेंगे लड़का और लड़की दिया हुआ है। नाना नानी, पिता माता, मामा मामी, भाई बहन, छात्र छात्रा, बालक बालिका, इससे आप समझ गए कि ये स्त्रीलिंग और पुलिंग है। ठीक है, आप पेज पलटी करेंगे, पेज पलटी करने में देखिए आप देखेंगे पेज नंबर 20 में, अब आपकी बारी, रेखा खींच कर मिलाओ। यहाँ पर देखिए आपको स्त्रीलिंग और पुलिंग को मिलाना है। जैसे यहाँ चाचा दिया है तो चाचा के साथ क्या होगा, चाची। आप इस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से कॉपी में भी बना करके लिखेंगे आप। यहाँ पर मौसा है, मौसा का क्या हो जाएगा, मौसी। लड़का है तो उसका लड़की, पिता है तो उसका माता, चूहा है तो उसका चूहिया। उसी तरह पर से यहाँ नीचे देखिए सेकंड नंबर में, दो नंबर में, मैं लड़की हूँ तो लड़का कौन। यहाँ पर देखिए लड़की का चित्र के सामने में लिखा हुआ है मालिन, दादी, बहन, हथिनी, बंदरिया। तो आपको यहाँ पर देखिए बगल में लड़का का चित्र के सामने में आपको खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मालिन का, हो जाएगा माली। उसी तरह दादी का क्या होगा आपको यहाँ लिखना है, बहन का क्या होगा यहाँ लिखना है, हथनी का क्या होगा यहाँ लिखना है, बंदरिया का क्या होगा यहाँ पर आपको लिखना है। तीसरा में देखिए शब्द छांट कर जोड़े बनाओ। यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है एक कोष्ठक के अंदर, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मोर मोरनी, यहाँ से उसी तरह से आपको यहाँ पर शब्द छांटना है। जैसे यहाँ से ले लीजिए धोबी, यहाँ पर धोबिन, उसी तरह से आपको इसको भी पूरा भरना है। अब नेक्स्ट पेज में आइए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक अनेक, इसका जो है पेज नंबर 21 में देखिए एक अनेक, ये सब एक ही चैप्टर से रिलेटेड है, आप इसको कंफ्यूज ना करें। एक अनेक मतलब वन और मेनी, मतलब एक और अनेक में बहुत सारा चीज आ जाता है। यहाँ पर देखिए चित्र में देखिए लड़कियां, झूला, गुब्बारे, औरत, थैला, लड़का, खिलौने, ये आप चित्र में देख लिए। जब हम एक के बारे में कहते हैं तो चीज होती है एक, और जब हम अधिक के बारे में कहते हैं तो चीजें होती है बहुत सारी, यानी बहुत सारे मतलब अनेक, इन्हें हम एक अनेक कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बतलाते हैं, वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे हम वचन कहते हैं। जैसे एक किताब तो उसके साथ क्या होगा, किताबें, मतलब अनेक हो जाएंगी वो। उसी तरह से देखिए वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, क्या क्या, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए एक अनेक, तो जैसे है लड़का तो उसका लड़के हो जाएगा, गमला गमले, पैसा पैसे, मुर्गा मुर्गे। उसी तरह से आपको यहाँ ढेर सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको अपने कॉपी में लिखेंगे, वर्कशीट के द्वारा आपको इसका क्वेश्चन आपके पास आएगा, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको लिख करके आप अच्छी तरह से याद करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में आइए, नेक्स्ट पेज है आपका 22, यहाँ पर देखिए लिखा है अब आपकी बारी, यहाँ पर एक से अनेक को मिलाओ। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है एक चिड़िया, आप उसको मिलाइए, यहाँ से ऐसे करके रास्ता बनाइए,
तीन चिड़िया के पास ले आइए, तो एक से क्या हो गया अनेक, एक माला है उसको आप यहाँ चार माला के साथ इस तरह से मिलाइए, एक ताला है उसको तीन ताला के साथ इस तरह से मिलाइए, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है आप उसको कॉपी में भी करेंगे और बुक में भी करेंगे। दूसरा है ये अनेक तो एक क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कुर्सियां, कुर्सियां मतलब ढेर सारी कुर्सियां, उसको एक करना है तो यहाँ हो जाएगा कुर्सी मतलब एक कुर्सी, बाजे मतलब एक बाजा यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे आप बाजे यानी हो जाएगा बहुत सारे बाजे, मेजे मेज मने बैठने वाले कुर्सी को टेबल को बोलते हैं मेजे, और यहाँ पर आप लिखेंगे मेज। उसी तरह से यहाँ है तोते गुड़िया और मुर्गे, आप इसको पूरा करेंगे। तीसरा नंबर है लिखो कौन एक है कौन अनेक, गाड़ी एक गाड़ी है, पतंग एक पतंग है, चूहिया मतलब ढेर सारी चूहिया तो यहाँ पर हो जाएगा अनेक, किताबें हैं तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा अनेक, लड़के हैं तो यहाँ हो जाएगा ढेर सारे तो अनेक, कक्षा है तो यहाँ हो जाएगा एक। तो आपने समझ लिया ये एक ही चैप्टर से तीन हेडिंग वाले रिलेटेड चैप्टर है, आप इसको वर्कशीट के द्वारा लिखें और जितने भी किताब में हैं उसको भी आप फुलफिल करें ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। धन्यवाद।